हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइफनेशन का ऑप्शन क्या होता है और इसे हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइफनेशन का ऑप्शन होता क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जब लाइन एंड हो रही होती है तो कोई बड़ा सा वर्ड आकर के वहां पर अटक जाता है, मतलब वो पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता उस लाइन में। तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड के कुछ लेटर वहां लिखते हैं और डैश लगा के बाकी के जो लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनको हम अगली लाइन में शिफ्ट कर देते हैं। वो जो डैश लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं हाइफनेशन। अभी जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन है और यहां मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है। अब इस पर हम हाइफनेशन का ऑप्शन यूज करेंगे। तो सिंपल हमें करना क्या है, जितने हिस्से पर भी आपको यूज करना है उतने हिस्से को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, हाइफनेशन का ऑप्शन होता कहां, ये देखिए पेज लेआउट में होता है। थर्ड ऑप्शन ऊपर के रिबन में आपको दिख रहा है। पहला है होम है, दूसरा इंसर्ट है, तीसरा पेज लेआउट है। तो इस पेज लेआउट पे क्लिक कर दीजिए और ये रहा आपका हाइफनेशन का ऑप्शन। ठीक है, अभी वीडियो स्किप मत करिएगा कि इसमें भी कई ऑप्शंस हैं। जब मैं इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करूंगा तो देखिए नीचे तीन चार ऑप्शन आपको शो हो रहा है। पहला तो नन है, दूसरा ऑटोमेटिक है, तीसरा मैनुअल है। ठीक है, तो मैनुअल, अगर आपको मैनुअली करना है तो आप क्लियर हैं कि मैनुअल आप यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में जब हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यूज करके देखते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऑटोमेटिक में जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा पैराग्राफ में क्या होता है। ये देखिए मैंने ऑटोमेटिक क्लिक किया, आप देखिए ये डिजाइन जो पूरा शब्द था वो देखिए नहीं हो पाया यहाँ पे एडजस्ट, तो इसने डैश लगाया और आगे यहाँ पर देखिए SIGNED जो बाकी के जो अक्षर थे उनको यहाँ एडजस्ट कर दिया। उसी तरीके से देखिए डॉक्यूमेंट पूरा नहीं आ पाया तो DOCU लिखा और बाकी MENT इधर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से हम हाइफनेशन का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।